अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर प्रोटेस्टा के अंदर फंगस लाइक प्रोटेस्ट पढ़ेंगे। बाकी दो एनिमल लाइक और प्लांट लाइक तो हमने पढ़ लिए थे, आज क्या पढ़ेंगे? फंगस लाइक प्रोटेस्ट। फंगस लाइक प्रोटेस्टा जो है वो टू उसके डिवीजन है। नंबर वन मेक्सोमाइकोटा, ओमाइकोटा, ये दोनों आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं मेक्सोमाइकोटा। व्हाट इज़ मेक्सोमाइकोटा? इट इज़ आल्सो नोन इज प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड। इसका नाम प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड है। एक मलेरियल प्लाज्मोडियम था, ये वो नहीं है। इसके साथ स्लाइम मोल्ड या फंगस लाइक प्लाज्मोडियम कहेंगे। ये प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड है। ये जो प्लाज्मोडियम है या उसको प्लाज्मोडियम क्यों कहा जाता था वो अभी आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। इसकी जो हैबिटेट है वो डैम सॉइल के अंदर ये होते हैं, मतलब जहाँ पे मॉइस्ट जगह है वहाँ पे इसकी हैबिटेट है। ये एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। इसकी डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ये प्रेजेंट होता है, वुड के अंदर जहाँ से ये अपना खुराक भी हासिल करता है, और ये क्या करता है? फेगोसाइटोसिस के थ्रू फूड को इंजेस्ट करता है अपने बॉडी के अंदर। इसके अंदर जो कलर है मेक्सोमाइकोटा का वो डिफरेंट कलर, लेकिन पार्टिकुलरली येलो, ऑरेंज और रेड कलर इसमें होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड ये होता है क्योंकि एक साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि ये जो जब करीब आ जाते हैं, इसी तरह जो यूनिसेलुलर मेक्सोमाइकोटा है ये जब करीब आते हैं तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन सा बन जाता है, न्यूक्लियस बहुत सारे इसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म एक ही रहता है, इसीलिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। लाइफ साइकिल है जो प्लाज्मोडियम का, ये इम्पॉर्टेंट है। ये किस तरह है? ये इस डायग्राम से हम सीखेंगे कि जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाता है तो ये जो मेच्योर प्लाज्मोडियम है ये क्या बनाता है? ये स्पोरेंजियम बनाता है। और स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है? स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर। और ये स्पोर किस प्रोसेस के थ्रू बनता है? मियासिस के थ्रू बनता है। तो जब मियासिस हो जाता है स्पोर में, तो यहाँ का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हैप्लॉइड हो जाते हैं, हाफ नंबर रह जाते हैं, क्योंकि ड्यू टू मियासिस। और जब ये मेच्योर होकर रप्चर हो जाता है तो स्पोर बाहर निकल आते हैं। यही स्पोर आगे जब कंडीशन फेवरेबल हो जाता है तो ये जर्मिनेट हो जाता है। और इसकी जर्मिनेशन किस चीज़ में होता है? मेच्योर स्पोर में। ये स्पोर या तो अमीबा जैसा होता है, अमीबॉइड स्पोर, या फिर इसी तरह एक फ्लेजिलेट स्पोर की तरह बन जाता है, ये शक्ल होता है, या फिर ये शक्ल। आगे जाके ये आपस में भी जो दो है इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसके अंदर, ये फर्टिलाइज, ये गेमीट फर्टिलाइज हो जाते हैं। इसके अंदर जो मेल और फीमेल है वो फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उसके बाद इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल हो जाता है और इससे जायगोट बनता है। यही जायगोट आगे जाके यंग प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाता है और वो फिर मेच्योर होके आगे फिर से स्पोर बनाता है उसी तरह। लेकिन इस लाइफ साइकिल में आपने जो बात याद रखनी है वो ये, तो यहाँ पे मियासिस होता है और इसके नीचे जो ये एरिया है इसमें इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है हैप्लॉइड, और जो जायगोट से अनवर्ल्ड यहाँ तक स्पोर फॉर्मेशन तक ये एरिया है इसमें टू इन नंबर होता है, यानी डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो होप ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वाला इसमें जो है वो ओमाइकोटा है। ओमाइकोटा आल्सो नोन इज वाटर मोल्ड, इसको वाटर मोल्ड भी कहते हैं। ये एक्वेटिक भी होता है, सॉइल में भी कुछ ना कुछ पाया जाता है, और पैरासाइट टू फ्लावरिंग प्लांट होता है ये, लेकिन ज़्यादातर ये जो है वो एक्वेटिक होता है, इसीलिए इसको वाटर मोल्ड भी कहा जाता है। पैरासाइटिक भी होता है ये और सेप्रोपाइटिक भी, मतलब ये ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करके उसमें डिजीज़ कास करता है, और या फिर डेड बॉडी से अपना खुराक अपटेन करता है, जिसको सेप्रोपाइटिक कहते हैं। डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक इसमें जो है फंजाई से डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक भी है इसके अंदर जो, लेकिन फिर भी हम इसको फंगस लाइक कहते हैं क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ग्रुप है ही नहीं और इसी में हम इसको प्लेस करते हैं। लेकिन ये जो दो तीन कैरेक्टरिस्टिक है ये फंजाई में नहीं होता। इसका जो स्पोर है ये, इसको ज़ोस्पोर कहते हैं, और ये पार्टिकुलर स्ट्रक्चर का होता है जिसके अंदर टू अनइक्वल लेंथ के फ्लेजिलम होते हैं। जो फ्लेजिला है उसमें दो होते हैं और अनइक्वल लेंथ का होता है। इसके अंदर जो स्पोर है, जो सेल वॉल है वो किस चीज़ का बना होता है? सेलुलोज का, जबकि बाकी फंजाई का काइटिन से बना होता है। प्लास्टिड जो है
वो इसमें नहीं होता, क्लोरोफिल इसमें नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट काज इज डिजीज, इसीलिए तो ये पैरासाइट और सेप्रोपाइटिक की तरह जिंदगी गुजारता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, काजिंग डिजीज इन प्लांट। खास तौर पे एक एग्जांपल है इसका, फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस, मुश्किल सा नाम है, फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस, लेकिन ये बड़ा मशहूर, इससे एक वबा भी पोटैटो के अंदर फैला हुआ था कि सारे पोटैटो ख़राब हो गए थे, किसकी वजह से, यही वाटर मोल्ड की वजह से। ये काजिंग लेट ब्लाइट पोटैटो, पोटैटो का एक डिजीज़ है जिसका नाम है लेट ब्लाइट पोटैटो, और ये इसी ओमाइकोटा की वजह से कास होता है। तो प्लांट के अंदर ये बहुत सारे डिजीज़ कास करते हैं। ये थे फंगस लाइक प्रोटेस्टा, जो जिसमें दो टाइप हमने पढ़े, मेग्जोमाइकोटा और ओमाइकोटा। होप आपको समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट्स करके पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।